मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है, और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक्तदार में आया, वो चोरी करके इक्तदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक्तदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। दोगली सियासत या खानदानी इख्तलाफात, चचा मफाहमत भतीजी मजाहमत की करने लगी बात। मरियम नवाज ने मिसाके मईशत को मजाके मईशत करार दे दिया। कहा जाली मैंडेट वाली हुकूमत को घर भेजने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, साथ नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, हतमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। मरियम नवाज ने इंक्वायरी कमीशन को GIT करार दे दिया। ना ये मिसर है ना नवाज शरीफ को मुर्सी बनने देंगे। मियां साहब को 3 बार हार्ट अटैक हो चुका, दिल का 3रा दौरा डियाला जेल में पड़ा। हुकूमत और जेल हुकाम ने मुझे और मियां साहब को लाइल्म रखा। मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ की जान को खतरा है, फिर भी जमानत नहीं मिली। उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदारी सब पर आयद होगी। इंसाफ की उम्मीद में अदल का दरवाजा बार बार खटखटा रहे हैं। सजा याफ्ता राजकुमारी आज लेक्चर दे रही थी, और वो भी इतना लंबा कि उनको ये शायद यकीन था कि इसके बाद उन्हें मीडिया तक शायद रसाई दस्तयाब नहीं होनी। सबसे पहले उसने अपने चचा के खिलाफ नोहा पड़ा, उसने अपनी ही जमात पे खुदकुश हमला किया। फिरदौस आशिकवान की जवाबी गोलाबारी, मरियम नवाज को करार दे दिया राजकुमारी। कहा सजा याफ्ता मरियम नवाज ने अपनी जमात पर खुदकुश हमला किया, इतना लंबा लेक्चर दिया, शायद दोबारा मीडिया के सामने ना आ सकें। वो बाज ना आई तो हुकूमत मजबूरी की बेड़ियां तोड़ देगी, उनके करतूत सामने ले आए तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। कतर पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी पैकेज ला रहा है। कतर के अमीर तमीम बिन हम्स का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा, वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर खैर मकदम किया, मौजूदा मेहमान को 21 तोपों की सलामी, इमरान खान खुद गाड़ी ड्राइव करके PM हाउस लाए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, अमीर कतर और वज़ीर आज़म की मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। क्या इसहाक डार को वापस लाने की राह हमवार हो गई? पाकिस्तान और बरतानिया ने मुलजिमान की तहवील के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी। मुआहदे पर चंद रोज में दस्तखत का इम्कान, इतलाक सिर्फ मखसूस नौइयत के इल्जामात पर होगा। सिफारती जराए के मुताबिक मुआहदे के फौरन बाद एक अहम सियासी शख्सियत को पाकिस्तान लाया जाएगा। सियासत से मिसाके मईशत की बातें, सियासी रहनुमाओं की अहम मुलाकातें, अयाज सादिक ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की। साबिक सदर कहते हैं वज़ीर आज़म मिसाके मईशत पर मौके वाज़े करें। खुर्शीद शाह बोले मिसाके मईशत पर वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद मिले। उधर शेख रशीद भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हामी। चीज का जवाब चाहिए कि ये जो नाअहली है, ये जो नाकामी है, इसने आज पाकिस्तान को यहाँ लाकर खड़ा किया। और अगर ये 10 महीने में पाकिस्तान को ये दे गए हैं तो आप हिसाब लगा लें कि खुदा ना खास्ता अगर ये 5 साल गुजारे तो इस मुल्क का क्या हशर। जिस मुल्क के पास दुनिया के बड़े कोयले के जखायर हैं, सियाहत के हवाले से बेहतरीन मुकामात मौजूद हैं, लेकिन उस मुल्क के अंदर सुनहरा दौर शुरू हो जाता है। और वो सुनहरा दौर किसका शुरू होता है? एक खानदान का सुनहरा दौर शुरू होता है। वो सुनहरी दौर सवाए शरीफ खानदान के किसी और के लिए नहीं था। हुकूमत की मुआशी टीम नाकाम हो गई, नाअहली ने मुल्क को यहाँ ला खड़ा किया। शाहिद खाकान अब्बासी की कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर, बोले 10 महीने में मुल्क का ये हाल हो गया, 5 साल गुजारेंगे तो क्या हशर होगा।
आज ही बता सकता हूं कर्जा कमीशन में क्या लिखा जाएगा। अयाज सादिक बोले, हम सिक्योरिटी लें तो प्रोटोकॉल और ये लें तो सिक्योरिटी रिस्क। फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा सुनहरी दौर में शरीफ खानदान के सिवा किसी के लिए कुछ ना था। मिसाके मईशत का मैं हामी हूं, होने दें, रिहाई या गैर रिहाई तो बात की बात है। चलो बच्चों को थोड़ी बहुत कंपनी की मशहूरी हो जाए तो क्या हर्ज है। अगर बच्चों का जरा टिक टैक का प्रोग्राम चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असद उमर की तकरीर को मैं एंडोर्स करता हूँ, सिर्फ तरीका अपना अपना है। इमरान खान जो है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा जो ऑप्शन है फिर उनको लग पता जाएगा। एहतसाब के लिए इमरान खान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। शेख रशीद कहते हैं सिर्फ दो लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से छूट चाहिए। वजीर रेलवे का अगले माह से किरायों में इजाफे का भी ऐलान। कहा हैदराबाद ट्रेन हादसा इंसानी गलती का नतीजा था। उधर हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर ना आ सकी। ट्रेनें डीरेल होने के वाकयात बेलगाम, आज पटरी से उतर गई तेज गाम। कराची जाने वाली मुसाफिर गाड़ी की 3 बोगियां लाहौर यार्ड में पटरी से उतरी। बोगियां हटाने और मुतलिका ट्रैक बहाल करने के लिए कार्रवाइयां जारी। पीएसपी के सरबरा मुस्तफा कमाल मुश्किल में फंस गए। सरकारी प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस एहतसाब अदालत में समाअत के लिए मंजूर। मुस्तफा कमाल, जैन मलिक, हुसैन मिर्जा और दीगर को तलबी के नोटिस जारी। रेफरेंस में 11 मुलजिमान नामजद। पाकिस्तान देरपा अमन इस्तेहकाम हासिल करने के करीब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानिया में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज से खिताब। कहा बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी तआवुन जरूरी है। पाकिस्तान ने FATF इलामिये पर भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत का बयान एक मखसूस सोच का इकास और गैर जरूरी है। भारतीय बयान FATF मामले को सियासी रंग देने का एक और सबूत है। गुरबन में अफगान अमन के लिए लाहौर प्रोसेस के नाम से कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान की 18 सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा पुरम और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है, इल्जाम तराशी का खेल किसी के मफाद में नहीं। शहरयार आफरीदी बोले तमाम अफगान धड़ों को मुत्तफिका लाहे अमल इख्तियार करना होगा। साबिक अफगान वज़ीर-ए-आज़म गुलबदीन हिकमतयार कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पर पाकिस्तान के मशकूर। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर अफगान जंग का खात्मा कर सकते हैं, कुछ ताकतें अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहती। हनीफ अतमर बोले मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देना होगी, अफगान अमन पाकिस्तान और खित्ते के लिए अहम है। अहमद वली मसूद ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नया बाब शुरू हो गया। मकबूसा कश्मीर में भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी न थमी। काबिज फोर्सेस ने जिला बारामूला में फायरिंग करके एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। उधर भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की गुंडागर्दी भी जारी। नई दिल्ली में हिंदुओं का मजहबी नारा ना लगाने पर मुसलमान पर तशद्दुद। फरिश्ता कत्ल केस, पुलिस ने मुलजिम का सुराग लगा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नन्ही फरिश्ता के साथ ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। 50 साल मरकजी मुलजिम निसार को कल अदालत में पेश किया जाएगा। DIG ऑपरेशंस कहते हैं मुलजिम के खिलाफ पहले भी बच्चियों के साथ ज्यादती के मुकदमात दर्ज हैं।
सोने की कीमत में मजीद इजाफा, फी तोला कीमत 500 रुपए इजाफे से 78,600 रुपए हो गई। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर एक हफ्ते में 1.03 रुपए महंगा, कीमत बढ़कर 156.83 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 157 रुपए का हो गया। मौसम ने ली अंगड़ाई, बारिश ने गर्मी भगाई। बारिश और समंदरी हवाओं से कराची का मौसम सुहाना। शहरियों ने वीकेंड पर समंदर किनारे को बनाया ठिकाना। उधर मेंगौरा, मानसहरा और दीगर इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। अमरीका और ईरान में कशीदगी, अमरीकी और यूरोपीय फजाई कंपनीज ने अपनाए हर्मस से परवाजों का रूट बदल लिया। अमरीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड और जर्मनी ने भी फजाई कंपनीज को अपनाए हर्मस से गुजरने से रोक दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजाई कंपनीज ने भी रूट तब्दील कर लिए। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर शायकीन आपे से बाहर होने लगे। कौमी टीम के होटल से बाहर शायकीन खिलाड़ियों पर जुमले कसने लगे। एक नौजवान ने कप्तान सरफराज अहमद के मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वीडियो वायरल होने के बाद माफी मांग ली। मुमताज कव्वाल अमजद सावरी को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। खुश मिजाज और हसमुख गुलुकार की जादू भरी आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस खोल रही है। अमजद सावरी को 2016 में कराची में फायरिंग करके कत्ल किया गया था।